हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी कॉमिक वर्ल्ड में, जहाँ पर मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ वेनमवर्स का एक और एक्साइटिंग एपिसोड। तो इस एपिसोड में ऐसा बहुत कुछ रिवील होने वाला है जो कि हम अभी तक जानते भी नहीं थे और जिस चीज से हम अभी तक अनजान थे। ये रियलिटी सिर्फ पॉइजन्स के लिए यहाँ तक ही सीमित नहीं है, इससे आगे भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हमें देखने को मिल सकती है, लेकिन इसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कहानी वहीं से शुरू होती है जहाँ पर लास्ट में खत्म हुई थी, यानी कि कार्नेज अब एक टॉर्चर रूम में था, एक सोनिक रिस्ट्रेनर के आगे, जहाँ पर कैप्टन अमेरिका कहता है वो स्ट्रगल तो कर रहा है लेकिन ये उसकी कमजोरी है और आखिरकार हम इसे उससे अलग कर ही देंगे। जिस पर डेडपुल कहता है कार्नेज उन लोगों में से है जो कि फाइट के बिना गिव अप नहीं करने वाला। आगे डूम कहता है तो फिर जल्दी हमें वो सिम्बियोट्स मिल जाएंगे जिसकी हमें जरूरत है और हम इसे इसके सिम्बियोट के पास से दूध में से मक्की की जैसे निकाल देंगे और हमें आखिरकार वो सिम्बियोट मिल ही जाएगा। और इस जैसे के साथ जो हमारी कमजोरी है उसे काउंटर कैसे करना है हम उस पर भी काम शुरू कर लेंगे। और इसी के साथ हमें ये भी मिल जाएगा कि इसके सिम्बियोट को आखिर हमारे आर्सेनल में ऐड कैसे करना है। जिस पर कार्नेज कहता है तो तुम इसका चॉक ऑन करके इसकी स्पीड क्यों नहीं बढ़ा देते। और तभी उसका साउंड बढ़ने के साथ ही कार्नेज की चीखें भी बढ़ने लगती है, लेकिन डेडपुल कहता है लाओ ये अच्छी बात है क्योंकि ये साउंड को कवर कर लेगा। और वो कैप्टन अमेरिका के सीने में अपनी तलवार घुसाता है और कहता है वो साउंड कवर कर लेगा मेरे कटिंग का। और तब वो उस सोनिक इमिटर को फोड़ते हुए कहता है तो इस रिस्ट्रेनर की आवाज बढ़ाने का आइडिया कमाल का था, नाइस जॉब इडियट, और तुमने जो काम किया है वो भी बहुत अच्छा था। लेकिन तभी वहां पर बचे हुए पॉइजन उन सभी पर हमला करने के लिए आते हैं, जिस पर डेडपुल कहता है तो अपने पैरों पर खड़े हो जाओ कार्नेज क्योंकि अभी भी बहुत सारे काम है जो हमें करने हैं। जिस पर कार्नेज कहता है तो डिस्ट्रेक्शन की वजह से कुछ बड़ी यहाँ पर आ चुके होंगे तो अब उन्हें काटने का समय आ चुका है और अब कुछ समय आ चुका है ब्लडी राइड करने का। और वो दोनों ही उन सभी पॉइजन को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी दूसरी तरफ एक एयर डक्ट में बैठे हुए रॉकेट और एंटमैन दोनों को ही ये पता चलता है कि ये हमारा सिग्नल है। और वो दोनों ही कंट्रोल रूम के एक एयर डक्ट में बैठे हुए थे जहाँ पर वो कहता है यहाँ पर बहुत सारे बेबी पॉइजन है तो यहाँ पर नीचे उतरना खतरनाक हो सकता है। जिस पर एंटमैन कहता है तो हमें कुछ ट्रिक्स ट्राई करनी होगी रॉकेट, और वो अपने पावर्स का इस्तेमाल करके चिट्टियों को वहां पर बुलाता है और पॉइजन को मारने लगता है। और यहाँ पर नीचे से सीवर सिस्टम से आते हुए वेनम कहता है मैंने बहुत सारी खतरनाक चीजें और भद्दी चीजें देखी है, लेकिन एंट्स, तब एंटमैन कहता है हाँ मुझे पता है ये ऑसम है। जिस पर मेनिया कहती है ये ऑसम के साथ साथ बहुत ही भद्दा है। बाहर आते ही वेनम स्ट्रेटेजी तैयार करने लगता है और दो ग्रुप फॉर्म करके वो उन लोगों से कहता है सबसे पहले लोगन एमजे तुम रॉकेट और एंटमैन के साथ यही रुकोगे और मेरे साथ पैंथर वुल्वरिन और मेनिया चलेंगे स्टेज को छुड़ाने के लिए। जिस पर रॉकेट कहता है ये जगह पूरी तरह से एक शिप है और जहाँ पर शिप होती है वहाँ पर इंजन रिएक्टर्स और फ्यूल तो होते ही है, तो ये सब मिलकर फन रेसिपी है मेरे लिए। यहाँ पर मेनिया कहती है डेडपुल और कार्नेज अपना पार्ट तो कर रहे है लेकिन इतना मिसडायरेक्शन काफी नहीं होगा। आगे वेनम कहता है हम लोगों ने सिर्फ पॉइजन को उस नजरे से देखा है जो कि हम अभी तक देख रहे हैं, लेकिन इससे पहले कि वो वेनम सिम्बियोट्स को मॉन्स्टर में तब्दील कर दे इससे पहले वो बहुत ज्यादा वीक होते हैं। वो इतने कमजोर होते हैं कि उनके आर्म पर एक शॉट देने से भी वो मर सकते है। और वेनम इसलिए ऐसा कह रहा था क्योंकि सबसे पहले वेनम ने ही एक पॉइजन को अपने सिम्बियोट के साथ एक स्टोन की मदद से पॉइजन को मार गिराया था। और आगे वो कहता है और या फिर हम उन्हें रेयर पार्ट पे किक करें तो भी वो मर सकते हैं, या फिर इससे भी एक दो चीजें और हो सकती है जिससे हम उन्हें मार पाए, लेकिन वो पीपल्स को हंट करते हैं ना कि कंज्यूम करते हैं और हमारे जैसे वो बिल्कुल भी नहीं है, हम प्रोटेक्टर्स हैं, लेकिन वो इसको वीकनेस समझते हैं, लेकिन उनके लिए ये ट्रूथ है और इसी वजह से उन्हें ये नहीं पता कि वो हमारे साथ डील कैसे करे तब तक जब तक हम भागना बंद ना करें, तब तक जब तक हम उन्हें पीछे मुड़कर उन पर वार ना करें। और इसी वजह से हमें फाइटिंग विल एक्टिव करके उन्हें मरने तक मारना होगा। यहाँ पर रॉकेट उन वायरस के साथ कुछ ऐसे उलझुल हरकतें कर रहा था जो कि उसके साथ साथ एंटमैन के समझ के भी बाहर थी। यहाँ पर बाकी बचे पॉइजन उन लोगों पर अटैक करने के लिए आते हैं और सबसे पहले वो अटैक करते हैं लोगन पर। यहाँ पर उसे देखते ही मेनिया उसके चेस्ट पर लगे हुए तीर निकालते हुए बाकी बचे सारे पॉइजन पर अटैक करने लगती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं स्ट्रेंज को जहाँ पर रखा गया था वहाँ पर कुछ पॉइजन थे, जहाँ पर स्कारलेट उसे कह रही थी तुम्हारे डिफेंसेस फॉल हो रहे हैं और कुछ ही मिनट के बाद तुम हमारे हो जाओगे, तुम कंज्यूम कर लिए जाओगे और एक और वेपन हमारे आर्सेनल में ऐड हो जाएगा।
यहाँ पर वेनम उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है, उस वेपन को अपने आर्सेनल में रखने की कोशिश भी मत करना जो कि तुम हैंडल ना कर पाओ, क्योंकि इसका खामियाजा तुम्हारे पिछवाड़े को भुगतना पड़ सकता है उसको काटने के साथ। और वो सभी उन पॉइजन्स पर अटैक करते हैं और एक एक करके उन सभी को मारने लगते हैं। और मेनिया बढ़ती है स्कारलेट विच की तरफ, जहाँ पर वो स्ट्रेंज से कहती है, स्ट्रेंज मुझे लगता है कि अभी भी तुम्हारे पास तुम्हारे स्लीव्स के नीचे एक या दो ट्रिक मौजूद ही होंगे। जिस पर वो कहता है, मैं स्ट्रगल कर रहा था, इस वजह से मेरी स्ट्रेंथ जा चुकी है। जिस पर वो कहती है, लेकिन हमें तुम्हारी जरूरत है। जिस पर स्ट्रेंज अपना फॉर्म लेते हुए कहता है, तो ठीक है, मैं जितना हो सके उतना करूंगा। और वो उन सभी को एक प्रोटेक्टिव स्पेल में कैद कर लेता है। लेकिन वो आगे कहता है, जब तक मैं पावरफुल नहीं हो जाता तब तक मैं इन्हें कितनी देर रोक पाऊंगा ये नहीं पता, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगा। जिस पर वो कहती है, तुम हमें रोक नहीं सकते और तुम ये कर भी नहीं पाओगे। स्कारलेट विच आगे कहती है, कुछ टाइम के बाद हम इस डायमेंशन के भी आगे निकल जाएंगे। हाइव अब स्ट्रांग हो रही है, हम आउटग्रो होंगे इस वर्ल्ड के बाहर, इस रियलिटी के बाहर। और इस सब में तुमने हमारी हेल्प की है स्ट्रेंज, थैंक्स टू यू तुमने कन्वर्ट्स को यहाँ पर ले आए अलग अलग मल्टीवर्स से और हमें हमारे डिस्ट्रक्शन से बाहर निकाला। जिस पर स्ट्रेंज कहता है, वो सही कह रही है, लेकिन वेनम उसे बताता है, तो देखते हैं कि तुमने जिस वजह से हम लोगों को यहाँ पर बुलाया जो वॉर लड़ने के लिए, वो हम लड़ पाते हैं या नहीं। लेकिन तभी पीछे से आवाज आती है, तो तुम कहीं ऐसा तो नहीं सोच रहे कि तुम बिना गुड बाय बोले ही यहाँ से चले जाओगे। और तब वहाँ पर स्पाइडरमैन खड़ा था जो कह रहा था, ये अच्छी बात नहीं है एडी, हमारा अभी भी एक रिमैच एक दूसरे पर उधार है। इस पर एडी यानी कि वेनम कहता है, तो बाकी लोग जो बच्चे है वो अभी रॉकेट के पास जाओ और मैं तुम्हारे पीछे आ ही जाऊंगा, या फिर नहीं भी आ गया तो भी ये सोच लेना मैं इस पास्टर के साथ लड़ते हुए मर गया। और वहीं पर एक धमाकेदार फाइट शुरू होती है पॉइजन स्पाइडरमैन वर्सेस वेनम के बीच में। यहाँ दूसरी तरफ हम देख रहे थे कि बचे हुए टीममेट्स रॉकेट को प्रोटेक्ट करने के साथ ही पॉइजन को भी बड़ी बुरी तरह से मार रहे थे। जहाँ पर एंटमैन कहता है, मुझे अभी लगता है रॉकेट कि हमारे पास टाइम नहीं है। और मैं बैट लगा कर कह सकता हूँ कि उनके पास अभी भी बहुत सारे प्लान्स होंगे और बहुत सारे पॉइजन्स। लेकिन तभी एक रिमोट का बटन दबाते हुए वो कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर खाली हाथ आया हूँ? जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि अभी भी कुछ ऐसी ट्रिक्स है जो कि मेरे स्लीव्स के नीचे है। और तभी शिप के अलग अलग हिस्सों में बहुत सारे धमाके होते हैं। और तब वो कहता है, तो ये वो फायरवर्क्स थे जो कि मैं अपने होम से लेकर आया। और वो आगे कहता है, तुमने वो लिटिल वाइब्रेशंस फील की जो कि शिप के हल से आ रही थी। लेकिन तभी एंटमैन को कैसी दिखती है अपनी बेटी, जिस पर वो कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? इस पर वो बताती है, मैं आपको मिस कर रही थी डैड, बहुत देर हो गई मैं आपसे मिले हुए। और इतना देखते ही वो उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन रॉकेट उसे समझाता है कि वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो, जो तुम देख रहे हो। लेकिन अगर तुम चाह ही चुके हो तो मैं इस सब के लिए नहीं रुकने वाला, मैं वही करूंगा जो मैं करने के लिए आया हूँ और इसके लिए मुझे माफ करना। लेकिन तब हम देखते हैं कि एंटमैन उस पॉइजन के साथ धीरे धीरे मर्ज हो रहा था और वो कह रहा था, रॉकेट मुझे बचाओ, मुझे नहीं पता था कि ये पॉइजन है, मुझे लगा था कि वो मेरी बेटी है, मुझे बचा रॉकेट प्लीज। लेकिन तभी X-23 अपने क्लॉज निकाल कर एंटमैन को टुकड़ों में बिखेर देती है। यहाँ पर स्ट्रेंज वहाँ पर आते हुए कहता है, क्या सब कुछ रेडी है रॉकेट, क्या सब कुछ फिनिश हो चुका है? जिस पर वो कहता है, हाँ कुछ देर की बात है और ये सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड पे सेट हो चुका है और अब ये एक बड़ा बिग बॉम्ब बन चुका है। जिस पर वेनम आते हुए कहता है, तो ये अच्छी बात है, तो अब हमें घर जाना चाहिए इस ब्लो बैग से बचने के लिए। लेकिन स्ट्रेंज कहता है, मैं ये नहीं कर सकता, मैं इतना स्ट्रांग नहीं हूँ कि मैं तुम सबको वापस भेज सकूँ। लेकिन वेनम कहता है, तुम बहुत कुछ खो चुके होगे, लेकिन सब कुछ नहीं, तुम हमें घर पहुँचा सकते हो, मैं यहाँ पर मरना नहीं चाहता। यहाँ पर 10 सेकंड्स बाकी थे जहाँ पर रॉकेट कहता है, अगर हम यहाँ से बाहर ना निकल पाए तो मैं सब लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि मुझे तुम सभी लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। लेकिन तब तक हम देखते हैं कि डूम अपना शिप छोड़कर वहाँ से बाहर निकल चुका था और डॉक्टर स्ट्रेंज अपना जादू दिखाते हुए कहता है, तो ठीक है मैं अपना सब कुछ लगा दूंगा जो जरूरी होगा तुम सबको घर भेजने के लिए। यहाँ पर कार्नेज और डेडपूल अभी भी उन लोगों से लड़ रहे थे। आगे डॉक्टर स्ट्रेंज अपना मैजिक कास्ट करते हुए कहता है, मैं प्रे करूंगा, मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा इस सबको रोकने के लिए, तुम लोगों को घर भेजने के लिए। और जैसे ही वहां पर धमाका होता है, सभी लोग अपने अपने घर यानी कि अपने अपने डायमेंशंस में जाने लगते हैं। रॉकेट अपने स्पेस सेक्टर में, वुल्वरीन वहीं पर जहाँ से वो टेलीपोर्ट हुई थी, ब्लैक पैंथर अपने वकांडा में और बाकी सभी लोग अपने अपने घर में। यहाँ पर एडी ब्रॉक अपने घर में आते ही कहता है, आखिरकार स्वीट होम आ ही गया। और यहाँ पर वो कहता है, सब कुछ वैसा ही लग रहा है जैसा मैं छोड़कर गया था। और वो अपनी नॉर्मल लाइफ जीने लगता है।
तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है, लेकिन वीडियो के बाद का पोस्ट क्रेडिट सीन देखना ना भूले। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, एंजॉय द लाइफ, धन्यवाद और जय हिंद। लेकिन पोस्ट क्रेडिट सीन देखे बिना मत जाना। दूसरी तरफ हम देखते हैं एक शिप को स्पेस में, जिसमें से उतरता है डॉक्टर डूम। और डूम एक तरफ बढ़ते हुए अपने घुटनों पर बैठकर कहता है, मेरे लॉर्ड मैं फेल हो चुका हूँ, सॉर्सरर हमसे लॉस्ट हो चुका है। तभी एक आवाज कहती है, इसमें कोई बात नहीं है क्योंकि यहाँ पर ऐसे भी बहुत सारे मैजिशियंस हैं। और तब हम देखते हैं कि वो थैनोस था जो कि डूम का लॉर्ड था, और वो कह रहा था अभी भी हमारे नंबर्स उनके मुकाबले ज्यादा है, हम तादाद में अभी भी उनसे कई गुना ज्यादा है, और उस ट्रेंच की बदौलत हमें हमारी आर्मी मिल चुकी है, और अब हमें ये पता है कि काउंटलेस रियलिटीज हम ढूंढ सकते हैं, और अब पॉइजन्स राज करेंगे उन सब पर।